झारखंड प्रस्तुति कमेटी संगठन के नाम से पर्चा चिपकाकर लेवी मांग करने घटना का किसको पुलिस ने किया उद्भेदन, दो अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। किसको थाना क्षेत्र अंतर्गत किसको एवं खरके में बीते दिनों निर्माणाधीन सड़क और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में झारखंड प्रस्तुति कमेटी के नाम से पर्चा चिपकाकर लेवी की मांग करने की घटना का किसको पुलिस ने वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन पर खुलासा कर दी। पुलिस ने लेवी मांगने के गुत्थे को सुलझाते हुए घटना में संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार एवं लोहरदगा SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर किसको थाना प्रभारी पॉलीकार्प टोपो ने टीम गठित कर अलग अलग जगह से घटना में संलिप्त दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गठित छापेमारी दल द्वारा पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के सिंदुरिया लहले निवासी खुद को JPC के सब जनरल कमांडर बताने वाले अभिमन्यु उर्फ आशुतोष कुमार तिवारी उर्फ कुंदन तिवारी पिता पुरुषोत्तम तिवारी एवं किसको थाना के सेमडी निवासी और प्राथमिकी मुबारक अंसारी पिता रबुल अंसारी घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल जांच कराते हुए लोहरदगा न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब हो कि झारखंड प्रस्तुति कमेटी का नया नाम देकर अपराधियों के द्वारा भय उत्पन्न करने के लिए पर्चे चिपकाकर लेवी की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया है कि JPC का है ऐलान काम बंद करने का फरमान। छात्रावास में काम कर रहे ठेकेदार को संगठन के द्वारा सूचित किया जाता है कि संगठन से मैनेज कर काम करें, अन्यथा फौजी कार्रवाई की जाएगी। मुंशी 24 घंटे के अंदर संगठन से संपर्क करें, संपर्क नहीं करने पर फौजी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई थी, जिस पर किसको पुलिस ने पर्चा को जब्त किया था। साथ ही लिखित शिकायत के आधार पर कांड संख्या 22-23 धारा 387-506 APC 17 CL एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई थी। वहीं छापेमारी दल में किसको थाना के थाना प्रभारी SI आनंद मरांडी, SI अविनाश कुमार सिंह, तकनीकी शाखा के नीरज मिश्रा एवं ललित राव शामिल थे।